हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम गीता और आप देख रहे हैं टेक्निकल गीता यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं जीमेल पे जब आप किसी को मैसेज करते हो तो आपका मैसेज उनको पहुंचा या उन्होंने रीड किया या नहीं किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। समटाइम हम लोग देखते हैं कि आप किसी को मैसेज सेंड करते हो और वो बोलते हैं आपका मैसेज या ईमेल नहीं आई, जबकि वो रीड कर चुके होते हैं। तो ये बताऊंगी कि कैसे आप देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, अब क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है मेल ट्रैक एक्सटेंशन। मैं आपको साइड पे लिख के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम ना हो। ये आपको सर्च करना है, तो मैं टाइप कर देती हूँ, उसके बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको ये पेज शो करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्रोम ब्राउज़र स्टोर वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र स्टोर वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन को ऐड करना है क्रोम ब्राउज़र में, तो ऐड टू क्रोम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा बहुत कम टाइम, एक दो सेकंड लगेंगे चेकिंग के लिए। अब ऐड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप एक्सटेंशन का जो लोगो है वो भी आप देख सकते हैं कि इसके जैसा आपको ऐड करना है आपके क्रोम ब्राउज़र में। चेकिंग के बाद कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कनेक्ट टू गूगल। गूगल की आईडी आपको वही सिलेक्ट करनी है जिससे आपने अपना मैसेज सेंड करना है, पता करना है जीमेल का। तो मैं इसमें से अपनी आईडी को सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो मैं सेकंड वाली आईडी को सिलेक्ट कर लेती हूँ और इससे बताऊँगी। उसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ के बाद ये पेज शो होगा। इस पेज पे आपको कुछ पे नहीं करना, सीधा बंद कर देना। एक नई टैब ओपन करनी है। ओपन करके यहाँ जीमेल आपको अपनी ओपन करनी है। मैंने अपनी जीमेल को ओपन कर लिया है। अब इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ। आपको भी अपनी जीमेल रिफ़्रेश करनी है एक या दो बार। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा। अगर एक बार नहीं होगा तो आप दो तीन बार रिफ़्रेश कर लेना अपनी जीमेल अकाउंट को। रिफ़्रेश करने के बाद ये एक मैसेज आ चुका है, यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं सेंड मैसेज के पास दो लाइंस आ चुकी है, जैसे व्हाट्सएप पे आती है सेम। तो इसका मतलब कि ये ऐड हो चुकी है आपके जीमेल अकाउंट में। तो अब मैं आपको एक मैसेज लिख के दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल सके कि आपने किसको मैसेज किया, उसके पास पहुँचा या उसने रीड किया नहीं किया। तो सबसे पहले मैसेज लिखते हैं, यहाँ टू पे ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको हमने सेंड करना है। तो मैं आईडी फिल कर रही हूँ, तो मैंने आईडी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो। उसके बाद इसको मैं सेंड कर देती हूँ। सेंड हो रहा है, आप देख सकते हो साइड में। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा और जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैसेज जा चुका है कि नहीं। जैसे ये मैसेज आ चुका है तो आपको व्यू मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। व्यू मैसेज पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइन्स आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि मैसेज जा चुका है। अब अगर कोई मैसेज पढ़ता है तो वो भी आपको मैसेज शो होगा यहाँ पे कि उन्होंने मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, तो ये मैसेज आ चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट रीड योर ईमेल। तो मेरा मैसेज पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं रिप्लाई आती है या नहीं आती। तो रिप्लाई के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब एक बार इनबॉक्स में जाके चेक कर लेते हैं, ईमेल को रिफ्रेश कर लेते हैं कि मैसेज तो वो पढ़ चुके हैं तो रिप्लाई आती है कि नहीं आती। तो वेट फॉर वन मिनट, रिफ़्रेश करते ही मुझे रिप्लाई आ चुकी है। तो इस तरह आप भी चेक कर सकते हो कि मैसेज जा चुका कि नहीं, उनको पहुंचा या नहीं, और उन्होंने देखा कि नहीं देखा, वो भी आप जान सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।